गाइस वेलकम बैक। तो अब उड़िया सुबह का टाइम बजे यहाँ 10। तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं कुछ एक दमदार रेसिपी लेके आई हूँ, आई होप आपको पसंद आई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिल्ले चटपटे एकदम। तो ये मैं बनाऊँगी बेसन से। हम गाइस इसको पूड़े भी बोलते हैं अपने भाषा में, लेकिन चिल्ले भी बोलते हैं, सबके अलग अलग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चिल्ले की रेसिपी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक प्याज लिया, दो हरी मिर्ची लिया, ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, मैंने लिया थोड़ा सा बेसन। इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी मसाले। ये मैंने लिया आधी कटोरी बेसन। तो इसमें मैं डालती हूँ नमक स्वाद अनुसार, ले सकते हैं थोड़ा सा मसाला। आप गाइस इसमें सब्जी भी डाल सकते हैं, योर चॉइस, कोई भी सब्जी अवेलेबल है इसमें। और आप इसको फ्राई करना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ये जो मैंने काटी थी ना ये डाल दूंगी। तो अभी इसका हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, इससे बहुत ही क्रंची और स्पंजी बनता है। थोड़ा सा अब इसको मिक्स करना है, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे पैटर्न बनाना है इसका। धनिया पत्ती इसको भी डाल देती हूँ, उसको फाटूंगी। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सी। और इसमें डालना पानी, और इसको दिखाते हैं कैसे थिकनेस आनी चाहिए इसके। देखो गाइस मेरी ये हो गया रेडी, इसकी ऐसी थिकनेस आनी चाहिए एकदम। और ये मैंने चढ़ा दिया था ये अपने हस्बैंड के लिए चाय। मैंने इसको थोड़ा सा लगाना ऑयल, तो आप भी ट्राई कीजिए इसको घर पे। तो मैं इसमें जाऊँगी पैटर्न। इसको चाय तो आप हाथ से भी कर सकते हैं इसे। तो गाइस मैंने डाल दिया चिल्ला, इस पर लगाना है तेल या घी, कुछ भी आप बना सकते हैं डाल के, आप योर चॉइस। मैंने ये बनाई है तेल में। अच्छे से ताकि कच्चा ना रहे।
इसको उलट पलट करना है, ऐसे ही कच्चा पानी लेना चाहिए। तो दिखाती हूँ अभी, साइड से भी सेक लें इसको। अभी हो गई मेरा ये चिल्ला के लिए, और मैं गैस को करती हूँ। गाइस ऐसे बने मेरे चिल्ले, मैंने दो चिल्ले बनाए थे, हस्बैंड के लिए बनाई चाय। तो आप भी घर पे जरूर ट्राई करना, बनाना और बताना कमेंट में कैसे बने आपके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू, टेक केयर।